हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रही हूँ वो है श्रीनाथ भगवान जी। तो पिछले दिनों क्या हुआ, मैंने बहुत सारे श्रीनाथ भगवान जी, आई थिंक 2 या 3 मैंने ऑर्डर पे जो है वो बनाकर दिए। तो उस वजह से मतलब इतना प्यार पड़ गया ना श्रीनाथ भगवान जी के साथ, मैं क्या बताऊँ। और एक मैंने वर्कशॉप भी ली थी, उसके अंदर श्रीनाथ भगवान जी सिखाए, तो वो भी बड़ा ही अच्छा लगा। जब मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करती थी श्रीनाथ भगवान जी के बारे में तो बहुत अच्छा लगता था। तो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग भी है इस वीडियो के पीछे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ में शेयर करूंगी कैसे मैंने बनाया, वो प्रोसेस भी शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मटेरियल डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या मटेरियल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो जो मटेरियल मैंने यहाँ यूज़ करा है वो देखिए एक्रेलिक पेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर काम किया है, और सरफेस जो है वो मैंने यहाँ पर स्ट्रेच कैनवास लिया है। ठीक है, कैनवास पैड ले सकते हैं, स्ट्रेच कैनवास ले सकते हैं। पेंट्स मैंने यहाँ पर ये जो है एक्रेलिक ट्यूब्स भी यूज़ करे हैं और यहाँ पर बॉटल्स भी यूज़ करी है, दोनों तरह से मैंने यहाँ पर पेंट्स यूज़ करे हैं। अब कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि बॉटल्स अगर हैं तो बेस्ट हैं बॉटल्स, क्योंकि उनका फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो और कुछ यहाँ पे ब्रशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो राउंड ब्रशेस हैं, फ्लैट ब्रशेस हैं, एंगुलर ब्रश है, इस तरह से ब्रशेस जो है मैंने यहाँ पर मिक्स करके यूज़ करें। तो जैसे जैसे पेंटिंग बनती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को डिटेल्स और ज़्यादा अच्छे से शेयर करती जाऊँगी। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये मंडाला टूल्स। तो ये जो मंडाला टूल्स हैं मेरे पास इकट्ठे ही हैं, तो वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इनका ये जो डॉट बनाने वाला एरिया होता है ना, इसको हमको चॉइस करना पड़ता है हमारे सरफेस के हिसाब से, हमारा सरफेस कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से जो ज्वेलरी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मंडाला टूल्स के साथ। तो मेरे पास कुछ ये मंडाला टूल्स ये वाले भी हैं, छोटे वाले भी, और कुछ मेरे पास यहाँ पर बड़े मंडाला टूल्स भी हैं। तो ये मटेरियल रहेगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल हमको नहीं चाहिए, बट पेंटिंग जब निकल के आती है ना तो मतलब आपको इतना सुंदर लुक आएगा इस पेंटिंग का कि आप सोचते रहोगे कि कहाँ लगानी है इसको, इतनी खूबसूरत लगती है ये पेंटिंग। तो सरफेस ले लिया मैंने यहाँ पर, 24x24 है मेरा जो सरफेस है, आप अपने हिसाब से सरफेस ले सकते हो, क्योंकि हम केवल फेस बना रहे हैं श्रीनाथ भगवान जी का। तो फिर मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है, नहीं पूरा जो मैंने वर्कशॉप के अंदर पूरी फुल हमने बनाया था उनका पूरा, मतलब ऊपर से नीचे तक ना पूरे चरण कमल भी थे उसमें, तो वो मैंने पूरा बड़ा साइज लिया था। और उसके लिए फिर हमको रेक्टेंगल लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेप लगा रही हूँ, और अपने हिसाब से जो जितना हमको एरिया चाहिए उसके हिसाब से हम मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया है। देखिए ड्राॅइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, तो ग्रिड के हेल्प से भी ड्राॅइंग कर सकते आप, और नहीं तो फिर आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो, दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले पेंट निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो मैं येलो रखने वाली हूँ। तो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर येलो रखा है, इसके लिए मैंने कैडमियम येलो यहाँ यूज़ करा है। लेमन येलो का बैकग्राउंड भी बहुत प्यारा लगता है, वो भी मैंने एक वर्कशॉप में कराया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको जल्दी जल्दी से बैकग्राउंड को हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी बेटी को भी पेंटिंग पसंद है, तो उसने वो भी मेरी हेल्प करा देती है कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में, मतलब खुशी से कराती है वो, मेरी तरफ से उसको कोई फोर्स नहीं रहता है। और बड़ी पेंटिंग्स जब भी होती है तो थोड़ी सी भी हेल्प अगर उसकी मिल जाती है तो बहुत ही एकदम इजी हो जाता है, मतलब काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसकी हेल्प लेना मुझे भी पसंद है, और उसको भी एक्चुअली पेंटिंग और क्राफ्ट पसंद है। चैनल ऑलरेडी उसने बना रखा है, बट इन दिनों काम नहीं कर पा रही है क्योंकि कुछ उसके एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, चैनल आपको मिलेगा मेरे, जो मेरे प्रोफाइल में जाएंगे ना, इस चैनल के प्रोफाइल में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के जो है इसके जो जितना भी ग्रीन का वर्क है वो कर लेते हैं। ग्रीन के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 ग्रीन हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आपने अभी मेरी पेंटिंग क्लासेस का वीडियो अटेंड करा होगा, अभी लेटेस्ट वाला क्लास नंबर 4, उसके अंदर मैंने ग्रीन के शेड्स आपको बताए थे कि किस तरह से हमको चॉइस करने, तो वही ग्रीन के शेड्स हमने यहाँ पर चॉइस करे हैं। लाइट ग्रीन लिया है, हल्का सा सैप ग्रीन लिया है, और डार्क ग्रीन लिया है। डार्क ग्रीन यहाँ पर हम पर्शियन ब्लू भी ऐड कर सकते हैं अगर हमको डार्क करना है तो, नहीं तो हम ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। तो वही टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ये जो लोटस के लीव्स हैं इसको बनाने के लिए सेम टेक्निक मैंने एक्सप्लेन करी है बहुत डिटेल में, तो अगर आप बिगनर हैं देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए सीरीज़, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बीच में मैं ये वाला वीडियो लेकर आ गई, बट वही सीरीज़ चल रही है अभी इन दिनों। तो यहाँ पर अच्छे से जो है जितना भी ग्रीन का कलर है वो लगाएंगे, पहले लाइट कलर लगा देंगे और फिर कुछ डार्क कलर के टचअप्स दे देंगे।
तो पेंटिंग को करने के लिए काफ़ी दिन लग गए मुझे। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बाहर का आया हुआ होता है, कमीशनड होता है, वो तो देखिए टाइम बाउंड रहता है, बट इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करती हूँ तो बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। अब मैं यहाँ पर फेस बनाना शुरू करूँगी, तो जब भी हम उनका फेस बनाना शुरू करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू के शेड्स लिए हैं। एक मैंने पर्शियन ब्लू लिया है, एक ब्लैक लिया है और एक वाइट लिया है। हम ब्लू के कोई भी शेड्स ले सकते हैं, सभी शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं जब हम फेस के लिए काम करते हैं भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर हम सभी शेड्स ले लेंगे। लाइट और डार्क का टोन्स का हमको बस ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी पिक्चर को देख के आप फॉलो करते हो, उस पिक्चर को बस ये देखते जाओ कि कौन सा कहाँ पे लाइट आ रहा है और कहाँ पे डार्क आ रहा है, और उस हिसाब से आप लगाते जाओ और ब्लेंड करते चले जाओ। सबसे इजी तरीका यही होता है ना। ब्लेंडिंग जब भी हम करते हैं, फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमको आसान लगता है, और राउंड ब्रश की हेल्प से हम शुरुआत में जब ब्लेंडिंग करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आइज बना लेते हैं, और यहाँ पर इनका जो फेस है, इसका प्रोसेस आप देखिए अच्छे से। इसको एकदम हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। पानी हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना पानी हम यूज़ करेंगे उतना हमको लेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लेयरिंग को अवॉइड करेंगे, तो पानी नहीं हम यूज़ करेंगे। आगे जाकर मैं इसमें एक लेयर और ऐड करूँगी, बट अभी हम यहाँ पर फेस का बेस लेयर लगा देते हैं। भगवान जी के फेस में क्या रहता है, उनके बीच के अंदर फेस में लाइट कलर रहता है और कॉर्नर्स के अंदर उसमें डार्क कलर रहता है। तो वो जो शेप है ना, वो हमको फॉलो करना पड़ता है। तो बस उसी शेप को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर इनके फेस की बेस लेयर्स ऐड कर लेते हैं। Thank you.
वीडियो काफ़ी लंबा है, आप लोग आराम से देखो, दो तीन बार इसको देखो और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने काटने की कोशिश नहीं करी है वीडियो को, क्योंकि मैंने इसको एज अ ट्यूटोरियल बनाया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम डार्क कलर ऐड करेंगे, ब्लेंड करते चले जाएंगे और फेस जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम भगवान जी की कलंगी ले लेते हैं। तो भगवान जी की जब कलंगी मैंने बनाई तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर पिंक कलर उनकी मोर उसमें ऐड किया कलंगी में, तो वही पिंक कलर जो हमने फ्लावर्स के लिए ऐड किया था वही ले लिया है मैंने यहाँ पर। ब्लेंड करते चले जाएंगे और लगाते चले जाएंगे, तो प्रोसेस को ही बस आपको अच्छे से देखना है, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप प्रोसेस को देखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। डार्क और लाइट के मैंने यहाँ टोन्स लिए हैं, राउंड ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ नंबर 6। तो अपने हिसाब से हमको ब्रशेस लेने रहते हैं, जब हमारा सरफेस जितना बड़ा है उसके हिसाब से हमको ब्रशेस लेने रहते हैं। ज़्यादा बड़े सरफेस पे आपको बड़े ब्रशेस यूज़ करने रहते हैं, ज़्यादा छोटा सरफेस अगर आपका है तो आपको छोटे ब्रशेस यहाँ यूज़ करने रहते हैं। पहली बार अगर आप श्रीनाथ भगवान जी बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि छोटे सरफेस पर बनाओ उसको, है ना। 12x12 का सरफेस बहुत अच्छा रहता है जब हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं बनाने की, तो उस पर बना के आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से कलंगी मैंने बना ली है, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है इस पेंटिंग के अंदर, तो डिटेलिंग फिर हम ऐड करेंगे बाद में। पहले सबसे पहले हमको जितना भी बेस स्टोन्स होते हैं वो ऐड कर लेना चाहिए। शुरुआत मैंने बैकग्राउंड से करी थी, उसके बाद मैंने जो बैकग्राउंड के अंदर पैटर्न बना हुआ था वो बनाया है और उसके बाद मैंने फेस बनाने के बाद अब कलंगी बनानी शुरू कर दी है। Thank you.
कलंगी जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हम तिलक के लिए बेस लगाएंगे। जहाँ भी देखिए गोल्डन कलर हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वहाँ पर हमको डार्क कलर का बेस लगाना है। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का बेस लगा रही हूँ। आईज़ के लिए मैंने वाइट फिल किया और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉर्नर से थोड़ा सा पिंक का शेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर पिंक का शेड ऐड करेंगे। दोनों ही तरफ आपको आईज़ में पिंक का शेड ऐड कर देना, उससे हल्की सी डेप्थ आ जाएगी। कई जगह हम ग्रे के शेड्स भी ऐड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरह से पेंटिंग को ले रहे हैं और कलर कॉन्सेप्ट्स कौन से ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हल्की सी हाइलाइट्स ऐड करूँगी वाइट कलर ऐड करके। तो इस तरीके जब भी आप कोई पेंटिंग बनाओ ना, पिच बाई पेंटिंग बोलते हैं उसको हम, तो इसको बनाने के लिए हमको ब्राइट कलर्स लेने चाहिए। ब्राइट कलर्स वॉल पे लगे हुए इतने प्यारे लगते हैं और उसमें फिर आपके कोई मिस्टेक्स वगैरह भी होंगी तो वो भी हाइड हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपका यहाँ पर फिलिंग पोर्शन कम्प्लीट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर फिनिशिंग जब मैं ऐड कर रही हूँ तो थोड़ा सा फेस को स्मूथ भी कर रही हूँ। जहाँ ज़रूरत है लाइटर टोन्स की वहाँ लाइटर टोन्स ऐड कर रही हूँ, और जहाँ ज़रूरत है डार्कर टोन्स की वहाँ पर हम डार्कर टोन्स ऐड कर लेते हैं। तो देखिए फेस कितना अच्छा लग रहा है ना स्मूथ होने के बाद। अब यहाँ पर बीड्स ऐड कर लेते हैं। कलरफुल बीड्स लिए हैं मैंने, रेड कलर लिया है और ग्रीन कलर लिया है। आप अपने हिसाब से चॉइस करके भी रख सकते हो कलर्स। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ काम करना अपने मंडाला टूल से, ठीक है। तो आप ब्रश का बैक साइड भी ले सकते हो और साथ में आप टूथपिक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जो ईयरबर्ड्स आते हैं ना जॉनसन बर्ड्स वाले, वो भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मंडाला टूल्स नहीं है तो हम ये पेंटिंग नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रश से भी आप राउंड्स लगा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप आ गई हैं, पहले तो बिल्कुल ही ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी तो हम लोग तो ब्रश से ही राउंड्स बनाया करते थे। तो यहाँ पर मंडाला टूल्स की हेल्प से मैं जो है बीट्स बना लेती हूँ। तो वाइट कलर के बीट्स जहाँ जहाँ हमको रिक्वायरमेंट है पूरी पेंटिंग में हम वो क्रिएट करने वाले हैं। बीट्स बनाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि इन बीट्स के ऊपर गलती से भी गीला हाथ आपका टच नहीं हो जाए या कुछ और चीज़ जो कुछ भी इस पर टच नहीं हो, क्योंकि काफ़ी थिक पेंट रहता है, ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो जब आप बस बना लेते हो उसके बाद इसको उठा के रख दो और फिर उसके बाद इस पर जो है बाद में आप ऐड करोगे जो भी आपको ऐड करना है, लेकिन एक बार बीट्स का काम एक साथ कंप्लीट करके रख दो और उसके बाद फिर आप इस पर कोई दूसरा काम करो। Thank you.
तो चलिए ये पेंटिंग देखिए कंप्लीट हो गई है। बताइएगा कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।